अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू एच एम सर्विसेज। एच एम सर्विसेज में खुश आमदीद दोस्तों। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि एक रिसीवर के ऊपर हम मल्टी सैटेलाइट दे सकें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक वो डिश नज़र आ रही है, 8। मैं ये 8 सैटेलाइट हैं जो कि एक रिसीवर के ऊपर देख रहा हूँ। काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स कमेंट्स करेंगे कि भाई ये तो हमें पता है, कोई नई चीज़ बताएं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, ये हर वीडियो जो है हर बंदे के लिए नहीं होती। कुछ लोगों के सवाल होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें वीडियो बनाना पड़ती है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको मुकम्मल और जितनी भी मालूमात हम दे सकते हैं उनको प्रोवाइड करें। यह भी हो सकता है कि आपको पता हो कि ये किस तरीके से हम देखते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जिनको नहीं पता कि ये हम मल्टी सैटेलाइट 7, 8 या 6 या 4 सैटेलाइट हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो फुल उन लोगों के लिए है। अगर आपने आपको इन चीज़ों का पता है तो आप बेशक इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टी सैटेलाइट देखने के लिए आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है एक डेजर्ट स्विच होता है। डेजर्ट स्विच दो किस्म के होते हैं, एक होता है 4 पोर्ट का और एक होता है 8 पोर्ट का। अगर आप 4 सैटेलाइट देखना चाहते हैं तो आपके पास 4 पोर्ट वाला डेजर्ट स्विच हो तो आप ईजिली उससे 4 सैटेलाइट को देख सकते हैं। अगर आप मल्टी सैटेलाइट 4 से ज़्यादा 8 या 16 सैटेलाइट देखना चाहते हैं तो आप 8 पोर्ट वाला डेजर्ट स्विच ले लें। अगर 16 वाला देखना चाहते हैं, 16 सैटेलाइट हैं, 16 तो इतनी नहीं होती लेकिन फिर भी आप 16 सैटेलाइट वाला डेजर्ट स्विच ले सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डेजर्ट स्विच है, इसमें ये 4 पोर्ट वाला डेजर्ट स्विच है। आप करीब से देखें, 1, 2, 3, 4 और एक जो ये वाली आपको दरमियान में नज़र आ रही है ये रिसीवर की तरफ जा रही है। तो इसमें आप 4 सैटेलाइट इस तरह का डेजर्ट स्विच लगा के तो आप इनके चैनल इंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केबल जो है आप 1 डेजर्ट स्विच में लगा देंगे, दूसरी LNB की केबल पोर्ट जो 2 होगी उसमें लगा देंगे, और यहाँ पे HSR 7 वाली जो केबल है ये आप डेजर्ट स्विच की जो पोर्ट नंबर 4 3 होगा उसमें लगा देंगे। साथ ये जो 4 नंबर पे है DD फ्री डिश, इसकी जो केबल है आप 4 नंबर पोर्ट में लगा देंगे। ये केबल लगाने के बाद केबलें यहाँ पे आप बारी बारी सारों की लगा देंगे। ये देखें जिस तरह यहाँ पे लगी हुई हैं, हर सैटेलाइट को ट्रैक करने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। ये केबलें लगा के आप अपने रिसीवर में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको 4 पोर्ट वाला और 8 पोर्ट वाला डेजर्ट स्विच का ऑप्शन मिलता है। एक होता है डेजर्ट 1.0 और एक होता है 1.1। जो 1.0 होता है उसमें आप 4 सैटेलाइट देख सकते हैं, जो 1.1 होता है उसमें 8 सैटेलाइट जो हैं वो आप लगा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप स्कैन करेंगे तो बारी बारी एक एक सैटेलाइट को स्कैन करेंगे तो सारी सैटेलाइट आपके पास आ जाएंगी। सेम इसी तरह अगर आप 8 सैटेलाइट देखना चाहते हैं तो हर एक सैटेलाइट जो की केबल होगी आपने 8 पोर्ट वाला, ये देखें एक डेजर्ट है मेरे पास तो इसमें मैंने लगाया हुआ है। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा। तो इसी तरीके से आप बारी बारी एक एक पोर्ट जो है उस डेजर्ट स्विच में लगा देंगे और जाके नीचे स्कैन करेंगे तो आपको इनके चैनल मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए लाइक कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।